आप लोग का एक्सरसाइज भी कर रही है साथ में, ये सब भी खा रही है, तो यार आज बहुत मन कर रहा है। और अब बस हाथों का इस्तेमाल करके अपने इनमें पकौड़े तलने हैं। ठीक है, दिया लौकी का रायता है फ्रिज में। आशीष को ठंडा लौकी का रायता पसंद है तो मैं फ्रिज में रख देती बना के। अब पतले पतले लग रहे हैं ना गाइस, मैं पूरा नहीं दिखा सकती भाई। तो गाइस ये रहा मेरा डिनर, ठीक है, और थोड़ा सा लौकी का रायता लिया मैंने, तो सैलेड खाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11 ही बजने वाले हैं यार, काम करते करते ना सच्ची इतना टाइम हो जाता है, और अभी तक नाश्ता नहीं करा है मैंने। ठीक है, आज मैं कुछ नाश्ते में डिफरेंट सा बना रही हूँ। आप लोग का एक्सरसाइज भी कर रही है साथ में, ये सब भी खा रही है, तो यार आज बहुत मन कर रहा था। एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ और उसका फ़र्क भी पड़ा है मेरे बॉडी पर। देख लो ये पेट, देख रहे हैं आप, बिल्कुल अंदर जा रहा है। ठीक है, जो कि मुझे खड़े होते भी फील होता था कि थोड़ा बाहर निकल रहा है, लेकिन अब पहले से देखो अंदर चला चुका है, मतलब पूरा फ्लैट हो चुका है। क्या बात है, अब जो बचा है वो सिर्फ एक्स्ट्रा जो है मेरा फैट है वो बच रहा है। ठीक है, अच्छा उसको मुझे घटाना है बिल्कुल। और बाकी आज नाश्ते में यार थोड़ा सा अनहेल्दी तो है, पर कोई नहीं, मेरा मन कर रहा है तो क्या करूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द के दाल के पकौड़े, और इसमें मैंने दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। इसको मैं साथ में पीस लूँगी। और बेसिकली तो आप अगर बड़े बनाना चाहो ना, साउथ इंडियन डिश होती है बड़े और सांभर, बड़े खाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये मैं पकोड़े बना रही हूँ तो उसी स्टाइल में बना रही हूँ। बाकी बड़े का भी यही प्रोसेस होता है, आप अगर बड़े बनाना चाहते हो बड़े बना लो, लेकिन बड़े का क्या होता है, थोड़ा सा बैटर जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब गाढ़ा होता है, ताकि वो बड़े बन सके गोल गोल, लेकिन मैं पकोड़े बना रही हूँ तो थोड़े पतले होगा। तो बाकी पीसते हैं फटाफट इसको, बनाते हैं पकोड़े। मैंने आपको बता ही दिया कि उड़द की दाल मैंने रात भर भिगो रखी थी, और मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया, मैं सिर्फ अकेली खाने वाली हूँ। आशीष ड्यूटी जा रखे हैं और कुकू अपना कार्टून देख रही है, वो थोड़े बहुत ही एक दो खा लेगी तो खा लेगी। तो इसमें दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक बस ये मैंने डाला है, और इसको फटाफट पीसते हैं और फिर पकौड़ों की तैयारी करते हैं। और भूख बहुत तेज़ लग रही है तो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने ये पीस लिया है। अब इसमें क्या क्या जाएगा, पहले तो कस्तूरी मेथी जाएगी, थोड़ी सी हींग जाएगा। ठीक है, हींग मैं अपने लिए गेर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें गेरते हैं कि नहीं गेरते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं गेरूंगी। बाकी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, जिसको गेरनी हो गेर सकता है। मैंने दो हरी मिर्च इसलिए गेरी है ताकि मैं लाल मिर्च ना गेरूँ। और बाकी एक जाएगी प्याज। ठीक है गाइस, बैटर हो गया तैयार, मैंने तेल भी चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो रहा है अभी। ठीक है, मैंने सब चीज़ें मिला दी इसमें, और अब बस हाथों का इस्तेमाल करके अपने इनमें पकौड़े तलने हैं। ठीक है, बाकी देखो मैंने ना कल ये ऑनलाइन बॉटल मंगवाई थी, वो बहुत प्यारी है, मैंने इसे धुल दिया था, अब ये सूखेगी उसके बाद मैं इसमें तेल कर दूँगी। मुझे यार तेल के लिए ना थोड़ा सा या तो किसी अलग बर्तन में करना पड़ता था या फिर कैसे करना पड़ता था, तो मैंने ये बॉटल मंगवा ली, प्लास्टिक की है, अच्छी है ऑनलाइन और बहुत सस्ते में भी है। ठीक है, तो इसमें अब ये सूख जाएगी उसके बाद मैं इसमें तेल वगैरह कर दूँगी और सॉकेट। बाकी मुझे मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद अपने ऊपर कुछ करवाने के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, सच बताऊँ तो। तो बाकी मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको पसंद आया मेरा हेयर स्टाइल या मैं कैसी लग रही हूँ तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगना चाहिए बस, है ना। तो बस अभी पकौड़े तलते हैं, फटाफट तेल गर्म होता है और फिर खाते हैं मज़े से बैठते हैं। कौन है ये? क्या बोला तूने? कुकु है, मम्मा है, पापा है ना इस फोटो में। One hour later. तो गाइस गुड आफ्टरनून, और 2:30 बज चुके हैं। ठीक है, खाना वाना सब रेडी हो चुका है। आज मैंने बनाया है छोले जो कि बहुत रसेदार है। ठीक है, चावल बनाए हैं, चटनी बनाई है, सलाद काट दिया, लौकी का रायता है फ्रिज में। आशीष को ठंडा लौकी का रायता पसंद है तो मैं फ्रिज में रख देती बना के, और बस वो भी आ चुके हैं, 2:30 बज गया, थोड़ा लेट हो गए वो, और बस सब तैयार है, हम खाना वाना खाते हैं। और मैंने काफ़ी दिनों बाद ये टी शर्ट डाली है, एक्चुअली मैंने ना ये आशीष को गिफ्ट करी थी, लेकिन उनको लेंथ वाइज ही आती नहीं थी। ठीक है, तो शादी के बाद मैंने पहनना शुरू कर दिया इसको। अब मुझे याद नहीं मैंने किस ओकेजन पर इनको भेजी थी, शायद बर्थडे पर भेजी थी या वैलेंटाइन डे पर भेजी थी, इन दो में से किसी में भेजी थी,
इन्होंने कुछ दिन पहने भी थी तो इनको शॉर्ट आती थी तो सब मजाक बनाते थे इनका, इन्होंने मुझे बताया था, तो फिर मैंने इनको इसको पहनना शुरू कर दिया। और आज मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है, कम से कम आई थिंक एक साल हो रहा होगा तब पहनी है मैंने। मुझे पसंद तो बहुत है लेकिन इसका फैब्रिक थोड़ा गर्मी करता है, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, हो सकता है मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, मन किया सुबह सुबह पहनने का तो पहनती। इसमें आशीष जी की फोटो है, बहुत पुरानी है ये फोटो। ठीक है, तो चलो बस अब खाना वाना खाएंगे और फिर मिलते हैं आपको खाना वाना खाने के बाद। तो पतिदेव क्या कहते हो आप खाने को देख के? क्या दावा सी सजा दी? मैं जब भी ऐसे खाना लगा देती हूँ ना आशीष के लिए पूरा टेबल पे, देखो कितना कितना आइटम है। ठीक है, तो बोलते हैं दावत सी लगा दिया आपने तो पूरी मेरी। तो वैसे खाना वाना खाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है। बापू बेटी तो बयान में घूमते रहते हैं, मैं तो घूम नहीं सकती ऐसे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो मुझे ऐसे टाइम काटना पड़ता है, क्या करूँ। चलो खाना खा के मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइस, और अभी टाइम होने वाला है, 7 ही बजने वाले हैं। ठीक है, घर के काम वाम निपटाए मैंने अभी, और एक्सरसाइज करनी थी मुझे तो मैं लेट हो गई थोड़ा करने में। अब मैं एक्सरसाइज ही करूँगी, अभी आशीष जी की कंप्लीट होने वाली है उसके बाद मैं करूँगी। तो घर के काम करने भी ज़रूरी है यार, क्या करूँ, उन्हें नहीं छोड़ सकती, तो बस वो करके एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। उसके बाद आशीष जी को ड्यूटी भेजेंगे, शायद उनकी ड्यूटी है नाइट। ठीक है, उनके सैलरी वैलर काट के दे दूँगी उनको, और जो उनको खाना पीना होगा वो बना के दे दूँगी। थोड़ी देर ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, आधा घंटा तो होनी चाहिए। तो बस करते हैं, चलो स्टार्ट। ठीक है, तो गाइस पतिदेव जी की एक्सरसाइज हो चुकी है। देखो प्रोटीन अपना रख देते हैं फ्रिज में बना बुना के, ज़्यादा ठंडा मत पिया करो। ठीक है, ये प्रोटीन क्या होता है, क्या बोलते हैं फिर इसको, क्या बोलते हैं फिर इसको? जीरे का पानी। क्या बोला तूने? झूठे। और हो गई ना आपकी एक्सरसाइज, पूरे पसीने में रहो, जाओ नहा लेना, पहले सुखा लेना उसके बाद नहाना। अब पतले पतले लग रहे ना गाइस, मैं पूरा नहीं दिखा सकती भाई। राज की बात है, राज की। A few moments later. नहा धो के तैयार होके अपना बैठी हूँ बाहर, थोड़ी हवा खा रही हूँ। और अभी आशीष जी जा चुके हैं, कुकू भी जा चुके हैं जहल के पास। बस आज मैंने अपने आईफोन में सिम डाला है अपना, उसको सेटअप किया है, थोड़े व्हाट्सअप वगैरह इंस्टॉल किया उसमें, तो बस वही चेक कर रही थी। आईफोन थोड़ा सा मतलब एंड्रॉयड के मुकाबले थोड़ा सा चेंजेज है इसमें, लेकिन कोई नहीं सीख जाएंगे। और एक्चुअली पता है मुझे आईफोन पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी होती हैं। ठीक है, प्राइवेसी भी रहती है इसमें, लेकिन ये है कि सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी होती हैं। नॉर्मल फ़ोन में आप देखोगे तो आपको आसानी होगी चलाने में, और आईफोन थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो मुझे ये वाला फ़ोन बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये वन प्लस का फ़ोन है और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इसको मतलब कहते हैं ना कि एक फ्रेंडली नेचर वाला फ़ोन, ये बहुत स्मूथ चलता है और बहुत अच्छा चलता है, और इसका जो सेटिंग्स वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ है वो बहुत आसानी से हो जाती है। बाकी आईफोन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर कोई नहीं, आदत बन जाएगी धीरे धीरे। और अब सिम डालना ज़रूरी था, मैंने आशीष को बोला भी कि मैंने अपना सिम डाल लो, लेकिन वो बोल रहे कोई बात नहीं, अब अपना सिम डाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है ऐसी, तो इसलिए अपना सिम डाल लिया मैंने इसमें। अब से इसी से बातें वगैरह हो, सब कुछ हो करेगा। तो अभी हवा का मज़े लेते हैं। ठीक है, बैठी हूँ बाहर, अकेली हूँ अभी। और हाँ, मैं अपने काम को लेकर थोड़ा सा हो गई हूँ, अब स्ट्रिक हो गई हूँ। जैसे ब्लॉग जैसे बनाती हूँ ना, तो फटाफट एडिट भी कर देती हूँ रात को ही, और अपलोड भी कर देती हूँ। जैसे कि मैं आज की बात बताऊँ तो आज कम से कम 4 घंटा नेट नहीं चला था। वो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह ही ब्लॉग अपलोड कर दिया था, बस उसका थंबनेल लगाना रह गया था, तो सुबह ही सब कुछ काम हो चुके थे, वरना आज ब्लॉग लेट हो जाता पक्का। ठीक है, तो थोड़ा इस काम में मैं स्ट्रिक हो चुकी हूँ, और इसमें आशीष भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं रात को एडिट कर दिया करो, अपलोड मैं लगा दूँगा। तो ऐसे ऐसे मतलब मैनेज कर रहे हैं अभी सब चीज़ों को। अच्छा भी लगता है कि काम पे फोकस कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, वीडियो वगैरह हो गई, उस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, अच्छा लगता है। तो चलो अभी हवा के मज़े लेते हैं। दीदी जा रही फिर? बाय गद्दे, बाय गद्दे दीदी को। हाँ मैं दिखाऊंगी, पहले बाय कर दो दीदी को, बाय कर दो, बाय कर दो बेटा। दीदी खा रही है कितनी देर से, बाय कर दो, मुझे भी दे दो। हम्म,
किट्टी कर रही दीदी? बेटा ऐसे नहीं करते ना। क्या कर रही है ये? क्या गई दीदी? तो गई आपने बाय नहीं करी दीदी को। गंदे बच्चे बन रहे। गई गई दीदी। अब आवाज लगा रही है। पहले बाय क्यों नहीं करी दीदी को? हाँ हाँ गई दीदी अब। तो गाइस ये रहा मेरा डिनर, ठीक है। और थोड़ा सा लौकी का रायता लिया मैंने, तो सैलेड खाऊंगी और बस खा पी के अभी थोड़ा घूम के आऊँगी। एक्चुअली पता है क्या, हम लंच बहुत थोड़ा हैवी कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा रात को खाने का मन ही नहीं करता। मेरा खुद नहीं करता रात को खाने का मन, तो इसलिए आशीष भी सैलेड खा के गए, मैं भी सैलेड खाऊँगी और थोड़ा घूम के आएँगे और फिर सो जाएँगे। और कुकू यहाँ अपने कार्टून में लगी हुई है, पूरा फ़ोन में घुसने की कोशिश करती है। मैं इसे दूर से दिखाती हूँ ताकि इसको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो बस अभी सैलेड खा के मैं निकलती हूँ, थोड़ा घूम के आऊँगी, वॉक करके आऊँगी। बहुत दिनों बाद वॉक करूँगी क्योंकि अब टाइम रहेगा थोड़ा सा, तो वॉक कर लूँगी और थोड़ा थक जाएगी कुकू भी, तो फिर सो जाएंगे आराम से। और गर्मी यार बहुत हो रही है, पर हवा चलती है बाहर, तो इसलिए हवा बाहर ही बैठी हुई हूँ, खा रही हूँ इतना आराम से। थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। बार बार बोलती थोड़ी देर में मिलते, थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या करूँ, पर दिखाऊँ, खा के दिखाऊँ लो। ठीक है बेटा, कुकू इधर आओ, जल्दी आओ। कीबोर्ड के बटन दबाए जा रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है उसे करने में। पापा पापा बहुत मारेंगे पता है आपको, अगर ये ख़राब हो गया तो। आई बस समझ में कुकू? इस लड़की को तो कुछ नहीं चाहिए, घर फैलाने को चाहिए बिल्कुल। आज मम्मा को वॉक करनी है बेटा, चलो वॉक करके आएंगे, वॉकी वॉकी करके आएंगे। चलो बाहर चलेंगे, बाहर खेली करेंगे। आ जाओ चलती आओ, चलती जल्दी चलती। कुर्सी पर उतरो, देखो इसका तोड़ने का स्टाइल देखना आप, ठीक है। ऐसी चढ़ दिया ये, ऐसी उतर दिया। उतरो जल्दी, उतरो, आओ उतरो जल्दी। नौटंकी लड़की, इतना परेशान करने लगी ना बेटा तू अब मुझे बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी बाहर जल्दी आओ। यहाँ देखो रायता गिरा रखा है सारे में, अभी देखा मैंने ये। चलो मैं साफ करके आती हूँ इसको। A few moments later. देख लो गाइस कैसे वॉक करूँ, मेरी गोदी चढ़ी बैठी है। बेटा नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, जान नहीं देगी बातों पे अब। नीचे उतर जा, उतर जा, इसके पैर देखो। उतर जाओ, नीचे वॉक कर लो। नहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक ठीक है, ले रही हूँ ले रही हूँ। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, नमस्कार। लो जाओ जाओ, नहीं जाना। अंकल चॉकलेट है क्या? चॉकलेट है, हाँ चॉकलेट देंगे, चॉकलेट चॉकलेट, चलो चॉकलेट लेंगे, चलो आ जाओ चॉकलेट, चॉकलेट से ही मानेगी बस। हाँ जाओ जाओ। कितनी जल्दी वो पलट गई है। नहीं अंकल चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो आप, डेरी मिल्क होगी तो वो दे दो। हाँ जैम्स चाहिए, जैम्स कोई नहीं, जैम्स भी दिला दूंगी। बाय करो दादू को। उधर नहीं, इधर इधर देखो, वहाँ पे उधर देखो बेटा, बोला कुको उधर देखो, उधर बाय करो। चलो बाय करो, बाय कर दो बेटा। ले मेरा बेटा, मुची कौन करेगा भाई? मुची देख लो उसकी, ठीक है अंकल। हाँ बाल नीचे आ गया, हाँ नीचे आ गया, गोदी आने को कर रही है मेरी। हाँ ले रही हूँ ले रही। बोला ही बोला, बोलो बच्चा जा बेटा, ध्रुवी साथ खेल ले जा, देख छोटी दीदी खेल रही, जा नहीं मेरे से चिपकना है लड़की, जाओ दीदी साथ खेल ले थोड़ी देर, जाओ छोटी सिस्टर है, जाओ। ये हुई ना बात मेरे बेटे की,
प्यार करो, जाओ हेलो करो, जाओ। तो गाइस वॉक तो हो गई, देख रहे हो मेरी ऐसी वॉक होती है। तो अभी पड़ोसी के जगह आइसक्रीम खा रही है, अंजू भाभी के यहाँ गई है, आइसक्रीम खा रही है वहाँ पे, उसको तो वैसे ही पसंद है आइसक्रीम। बात तो सही है। वो खिला भी रहे। तो मैं सोचा अब थोड़ी देर बैठ के व्लॉग को एंड कर देती हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो पसंद आई लाइक कर दे, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत जाना, को केयर्स, बाय, गुड नाइट, व्लॉग में ध्यान रखिए, और बस बाय बाय।